खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बढ़ते बिजली बिल को लेकर महाराष्ट्र सरकार को 6 महीने की बिजली बिल माफ करने की दरखास्त की, जनता से दरखास्त की अपील की है कि सोई हुई सरकार को जगाने के लिए 20 जुलाई को रात 8 बजे से लेकर 8:05 मात्र 5 मिनट के लिए अपने घर, ऑफिस, दुकानों की लाइट बंद कर अपना आक्रोश दिखाए। AIMIM मुंबई महिला प्रेसिडेंट रिजवाना खान से हुई खास मुलाकात में यह बातें तो हुई और भी ढेर सारी बातें हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार से हम निवेदन किए हैं कि जो लोगों के हालात है, हालत को देखते हुए अभी जो लाइट का बिल जो दिया गया है, ना कि यूनिट टेस्ट किया गया है, चेक किया गया है, ये अंदाजा लोगों ने बिल दिया है, ठीक है, कंपनी ने अंदाजा बिल दिया है। हम लोगों के हालात देख रहे हैं, घर घर जाके लोगों से, महिलाओं से मैं मिल रही हूँ, महिलाओं के हालात, महिलाओं के दुखड़े को सुन रही हूँ। जब महिलाएं अपना दुख बयान करती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ लॉकडाउन के चलते, हमने लोगों से भीख मांगी, ठीक है, हमने गुजर बसर किया, हमारे पड़ोसी ने हमारी मदद की, वो तक हमने सुने, ठीक है, जहाँ तक कि महिलाओं के पास जो गोल्ड था, जो बचा कुचा जो सामान था, वो लोगों ने वो तक गहने तक उतार के बेच दिए इस लॉकडाउन के चलते हुए घर को चलाने के लिए। क्योंकि जब घर का ही आदमी बाहर नहीं जाएगा, जब घर के सभी लोग घर में बैठेंगे तो घर कैसे चलेगा। घर ऐसे चलाने के लिए औरतों ने अपने गहने, महिलाओं ने अपने गहने तक बेच दिए। अब तो गहने भी नहीं बचे, जो कुछ बचा कुचा था वो भी खर्च हो गया। अब तो लोगों के घर के बर्तन बिकने की बारी तक आ चुकी है, लोग अपने घर के बर्तन भी बेच के एक टाइम का खाना बनाने का वो कर हिम्मत करते हैं। तो वो लोग, वो महिलाएं मुझसे जब दुख अपना बयान करती है तो वो मुझसे देखा नहीं जाता है। तो ये दुख को देखते हुए, और आम हम हर किसी के हर घर में ये हालत है कि बस कभी 6,000 बिल आ गया, किसी का 13,000, किसी का 18,000, किसी का 24,000 अंदाजा बिल दिया गया। तो हम तो सरकार से विनंती कर रहे हैं, MIM पार्टी से हमने एक विनंती रखी है कि ये जो हालात देश के हो रहे हैं, जो हमारे राज्य सरकार के, हम सरकार है उद्धव जी की सरकार है, उनसे हम नम्र विनंती करते हैं कि इतनी हालत बुरी हो गई है, महिलाएं इतनी रो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, हम डोर टू डोर महिलाओं से मिले हैं, हमने लोगों का दुख देखा है, तो महाराष्ट्र की जनता का दुख आपको नहीं नजर नहीं आ रहा है। उद्धव जी से हम नम्र विनंती करते हैं, हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि हम उनसे कुछ और नहीं मांग रहे, नहीं उनसे बैंक अकाउंट में पैसा मांग रहे हैं, नहीं कुछ और ज्यादा मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ एक छोटी सी विनंती कर रहे हैं कि 6 महीने का बिल, 6 महीने का बिल कोई बड़ी बात नहीं है, 6 महीने का बिल सरकार माफ कर दे ताकि थोड़ी सी रियायत जीने के लिए लोगों को मिल जाए, महाराष्ट्र की जनता को, खास करके महिलाओं पे, महिलाओं पे जो गुजर बसर हो रहा है, शायद वो महिला ही एक जान सकती है, एक महिला का दर्द एक महिला ही जान सकती है। फिलहाल हमारे हाथ में तो कोई अभी कुछ पावर नहीं है, फिलहाल इतना है कि हमारे पास ऊपर वाले ने एक जबान दी है ताकि हम कुछ बोल सके और सरकार से नजर मिला के बात कर सके और अपनी विनती उनके सामने रख सके, अर्ज कर सके कि हमारी अर्ज को कबूल किया जाए और 6 महीने का बिल, ज्यादा नहीं, 6 महीने का बिल माफ करके थोड़ी सी जीने की राहत दी जाए। महाराष्ट्र की जनता से मैं अपील करती हूँ कि जो हम पे बिल दिया गया है, इतना सब बिल जो दिया गया है, लाद दिया गया है आम जनता पे महाराष्ट्र की, तो मैं एक छोटी सी अपील करती हूँ कि 20 जुलाई को रात 8 बजे 8:05 तक के अपने घरों की, दुकानों की, कारखानों की, सभी की लाइट को ऑफ किया जाए। ये लाइट ऑफ करके महाराष्ट्र की सरकार को हम अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की जनता का आक्रोश महाराष्ट्र की सरकार देखेगी तभी तो कुछ निर्णय लेगी। इसीलिए आप सब मिलके आप हमारा साथ दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट को ऑफ करें, इसी में अपना आक्रोश दिखाएं। देखिए अभी लॉकडाउन के चलते हुए अभी धरना प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब पालन करना है और कोरोना की महामारी चल रही है, तो उसको देखते हुए ये लाइट बंद किए जाए सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट की लाइट बंद होगी, शायद ये सोई हुई सरकार जो कि जाग जाए, इसीलिए हम लोग लाइट बंद करेंगे ताकि ये सोई हुई सरकार को हमको जगाना है। देखिए 20 तारीख को लाइट बंद करने का जो है ब्लैकआउट किया गया है महाराष्ट्र को MIM पार्टी की तरफ से,
अगर ये उसके बाद भी कोई स्टेप में कोई हरकत में नहीं आती, सरकार कोई स्टेप नहीं लेती है, तो उसके बाद हमारे मुंबई अध्यक्ष फयाज अहमद खान साहब के आदेश अनुसार, जैसे वो हमको आदेश देते हैं, तो उनके कंधे से कंधे मिला के महिला विंग भी, मुंबई महिला विंग भी महिलाएं रस्ते पे उतर जाएंगी। जैसा उनका आदेश रहेगा, जैसा हमको वो आदेश देंगे, अगर हमको जेल भरो आंदोलन भी महिलाओं को करना पड़ेगा, तो हम पूरी तरह से सक्षम होके उनके कंधे से कंधा मिला के धरना प्रदर्शन के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये जनता की, आवाम की तकलीफ है, ये सरकार को सुनना होगा।